टाटा नेक्सोन हमें इंडिया में फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है, और 2023 वाली जो नेक्सोन होगी, जो कि आपने ऑलरेडी शोरूम्स के अंदर देख ली होगी या फिर आपको पता भी होगा कि ब्रोशर के अंदर क्या चीज़ें आने वाली है और क्या अपडेट्स हैं, और अगर आपने ऑटो एक्सपो देखा था तो आपको सारी चीज़ें पता भी होगी कौन से नए फीचर्स आने वाले। लेकिन वो बात है, नेक्सोन जो अभी वाली है उसको अपडेट किया गया है उसकी, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जिस नेक्सोन के बारे में बात करने वाले वो हो सकता है 2024 के अंदर भी लॉन्च हो जाए। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग नेक्सोन है उसके ऊपर क्या चीज़ें आपको एडिशनली देखने को मिलेगी जब भी टाटा मोटर्स इसको अगले फेसलिफ्ट के साथ में या फिर कॉस्मेटिक चीज़ों के साथ में अपडेट करके भेजेगी, तब की बात है। और इसके साथ में मतलब कि ऑलरेडी हमें न्यूज़ आती रहती है, तो इस वजह से हमने सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रोल आउट कर दी जाए इस वीडियो के जरिए। तो इस वीडियो को पूरा बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देख लेना, आपको जो अपकमिंग नेक्सोन है जो कि अभी वाली नेक्सोन के बाद आने वाली है तो उसके अंदर क्या चीज़ें होगी उसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी नेक्सोन के अलावा और भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानना है हर एक ब्रांड्स के, जो कि 2023 के अंदर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है इंडिया के अंदर आने के, तो वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो को पूरा बिना स्किप किए एंड तक जरूर देख लेना। लॉन्च डेट, प्राइसिंग, फीचर सब की बात होगी। लॉन्च डेट और प्राइसिंग हम आपको इस वीडियो के एंड तक बताने वाले, एक्सटीरियर और इंटीरियर के अंदर होने वाले चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात होने वाली। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से हमारे शुरुआत करेंगे एज यूजुअल, जो कि हमारा होता है कि गाड़ी के साथ में जो है एक्सटीरियर के अंदर कितने चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्सोन जब भी फेसलिफ्ट के साथ में आएगी तो एक्सटीरियर के अंदर कितने चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करेंगे, तो फ्रंट की बात की जाए, ग्रिल के अंदर आपको ना के बराबर चेंजेस देखने को मिलेंगे, हेडलैम्प्स के अंदर आपको ट्विक्स देखने को मिलेंगे, ऑल एलईडी यूनिट जरूर आएगा लेकिन आपको हेडलैम्प्स के अंदर ट्विक्स देखने को मिलने वाला है, और आपको डीआरएल का जो प्लेसमेंट होगा, डीआरएल की प्लेसमेंट वहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल सकते हैं। बाकी फ्रंट का बम्पर जो होगा वो सिल्वर स्किड प्लेट की ट्रीटमेंट के साथ में आएगा, फॉग लैंप्स की डिज़ाइन जो है वहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, रेडिएटर ग्रिल वगैरह चेंज होगा, तो इस वजह से फ्रंट का बम्पर भी आपको नई डिज़ाइन के साथ में देखने को मिल सकता है। तो फ्रंट फेसिया के अंदर आपको कुल मिला के इतने चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात की जाए साइड प्रोफाइल की, तो साइड से आपको टायर साइज सेम देखने को मिलेगी, अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन भी सेम देखने को मिलेगी, और मोर और यूजुअल मोर और लेस जो है अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन के अंदर हल्के फुल्के चेंजेस वो लोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन टायर साइज के अंदर कोई भी चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बाकी आपको डायमेंशंस भी गाड़ी के सेम देखने को मिलेंगे क्योंकि फेसलिफ्ट का कोई न्यू जनरेशन तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ें। रियर की बात करें तो टेल लैंप्स के अंदर आपको ट्विक्स देखने को मिलेंगे, रियर का बम्पर अगेन सेम ट्रीटमेंट के साथ में आएगा एज कम्पेयर टू दी फ्रंट बम्पर, सिंगल पेन सनरूफ आपको वॉइस असिस्टेंट के साथ में देखने को मिलेगा, शार्पिन एंटीना प्रॉपर देखने को मिलेगा गाड़ी के साथ में, ड्यूअल टोन पेंट स्कीम आपको देखने को मिलने वाली है, बाकी 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी गाड़ी के साथ में आने वाला है, ऑटो फोल्ड ORVM वगैरह जो है पडल लैंप्स के साथ में, वो सारी चीज़ें आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाली है। और एक्सटीरियर में यहाँ तक फीचर्स की लिस्ट जो है वो हमारे पास में आई है, जैसे ही कुछ ज़्यादा फीचर्स या फिर कोई भी अपडेट्स वगैरह हमें देखने को मिलता है आपके लिए नया वीडियो ज़रूर बनेगा, और किसी भी तरह से आपको हम बता देंगे कि कैसी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलने वाली है नई वाली नेक्सोन के साथ में, और मोस्टली आपको अपकमिंग वीडियोज़ जो होंगे नेक्सोन के बारे में वहीं पर अपडेट्स मिलते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये पर्टिकुलर एक्सटीरियर के पॉइंट के अंदर इतने फीचर्स के बारे में बात करनी थी जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाकी अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले। तो एक्सटीरियर के बाद हम नेक्सोन फेसलिफ्ट के बारे में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है कि गाड़ी के साथ में जो है इंटीरियर के अंदर आपको कितने चेंजेस देखने को मिलने वाले। तो इंटीरियर मोटा मोटी तौर पर बहुत सारे चेंजेस को लेकर आने वाले, जो कि हम ऊपर ऊपर से हाईलाइटेबल पॉइंट्स हम आपको बता देंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, आपने ऑलरेडी ऑटो एक्सपो के अंदर एल्ट्रोज रेसर के साथ में देख लिया होगा, तो ये सारी चीज़ें ही होने वाली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल डिजिटल होगा और बहुत सारे फीचर्स को लेकर आने वाले। अब फीचर्स के बारे में डिटेल में नहीं जा सकते इस वीडियो के अंदर, वरना हाईलाइटेबल पॉइंट्स जो है आपके लिए वो भी छूट जाएंगे। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एज यूजुअल आपको, मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में भी बताया था कि एल्ट्रोज रेसर के साथ में जैसी चीज़ें आने वाली है वही सेम आप नेक्सोन फेसलिफ्ट के साथ में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होगी वो अपडेटेड आएगी, 10 इंच की होगी, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करेगी, वायरलेस चार्जर आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स होगा, एम्बिएंट लाइटिंग आपको प्रॉपर देखने को मिलेगी, फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में आएगी, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी होगा, जो फ्रंट की ड्राइवर सीट जो होगी वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट के ऊपर कई जगहों पर आपको लेदर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से गाड़ी की इंटीरियर की प्लशनेस जो है वो और ज़्यादा आपको बेहतर देखने
को मिलेगी। रियर की सीट के ऊपर तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, रियर एसी वेंट्स प्रॉपर देखने को मिलेंगे, रियर की विंडो के ऊपर दोनों रिट्रैक्टेबल सनशेड आपको प्रॉपर देखने को मिलेंगे। इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम एनलिस्ट इस वीडियो के अंदर तो नहीं कर सकते। अगर आपको उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो कि आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, जो कि एक एक फीचर्स हम कवर करेंगे, इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंटीरियर के भी। तो कुल मिला के सारे फीचर्स के बारे में डिटेल वीडियो हम बना सकते हैं, कमेंट कर सकते हो उसके लिए। और अगर कमेंट कर रहे हो तो फिर सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि जब भी वो वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाए तो आप उसको मिस ना करो। बाकी ये सारी चीज़ें इंटीरियर के बारे में, तो इंटीरियर के अंदर तो ये सारी चीज़ें थी। मोटा मोटी तौर पे आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा गाड़ी के साथ में होने वाला है कि नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में आपको इंजन और गियरबॉक्स के अंदर कितने चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो अभी वाली नेक्सॉन के अंदर 1.2 टर्बो मिलता है, 1.5 डीजल मिलता है, दोनों ही 6 स्पीड के मैनुअल के साथ में मिलते हैं, जो कि सेम चीज़ें नई वाली नेक्सॉन में भी आएगी। अभी वाली का डीजल ऑटोमेटिक जो है वो AMT आ रहा है, जो कि फेसलिफ्ट के साथ में भी ऑलमोस्ट सेम ही आने वाला है, लेकिन अभी वाली के टर्बो पेट्रोल में ऑटोमेटिक में आपको AMT मिल रहा है, लेकिन जो नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट होगी उसके साथ में आपको टर्बो पेट्रोल के साथ में ऑटोमेटिक के नाम पर AMT को रिप्लेस करने वाला है 7 स्पीड का DCA। तो बहुत बड़ा मेजर फर्क आने वाला है इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स, और मतलब वही टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फील देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 7 स्पीड का DCA आने वाला है, तो ड्राइविंग डायनेमिक्स तो वो ज़रूर इन्हांस करने वाला है। बाकी वो मतलब कि जितने भी कस्टमर ऐसे थे जो कि AMT की वजह से स्किप कर रहे थे गाड़ी को, वो अब ऐसा नहीं करेंगे और हो सकता है इसकी सेल्स जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस के अंदर यहाँ तक इतनी ही एक्सपेक्टेशन, मतलब कि इतनी न्यूज़ हमें देखने को मिली है। डीजल ऑटोमेटिक में AMT आएगा या फिर टॉक कन्वर्टर, उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन आती है आपको अगले आने वाले मतलब कि आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर पता चल जाएगा। बाकी अब लास्ट 2 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, जो कि है लॉन्च डेट और प्राइसिंग। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि गाड़ी की लॉन्च डेट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर कहाँ तक हो सकती है। तो लॉन्च डेट प्राइसिंग दोनों की बात होगी। सबसे पहले लॉन्च की बात की जाए तो अप्रैल से अक्टूबर 2023 के बीच में, तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में आप इसकी अनवीलिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जैसे ही कुछ न्यूज़ वगैरह आता है, जैसे ही कोई कंफर्मेशन आती है, हम आपको बता देंगे कि क्या चीज़ होने वाली है, और जैसे ही ज़्यादा अच्छे रिलायबल न्यूज़ मिलते हैं लॉन्च डेट के बारे में, हम आपको तुरंत बताने वाले हैं। बाकी बात की जाए प्राइसिंग के बारे में कि प्राइसिंग कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि आप बोल सकते हो कि समवेयर अराउंड जो है एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट के अंदर चल रही है, तो 7.5 से लेके आप ऑल द वे 12.5 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड की बात की जाए तो 15.5 या फिर 16 लाख ऑन रोड गाड़ी आराम से जाने वाली है। बाकी उसके ऊपर भी अभी तक तो 100% कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन 85% कन्फर्म है प्राइसिंग। तो जैसे ही कुछ अपडेट्स आते हैं आपको नया वीडियो देखने को मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।